हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, अभी सारिका के पापा उसको ऑयल लगा ले हेयर में। और आज है संडे, अभी सुबह के बजे हैं 11। आज जल्दी थोड़ा सा उठ गया था, नाश्ता वगैरह हो गया, नहीं तो हमारा ना संडे को ज़्यादातर 12 बजे तक नाश्ता हो पाता है, क्योंकि ना हस्बैंड को जल्दी जाना है शॉप पर। इसलिए तो सारिका को मैंने नहला दिया था संडे का, उसको हेयर वॉश करती हूँ तो मैंने, और उसके अभी हेयर सूख गए हैं, ड्रायर से सुखा दिए थे मैंने। तो अभी ना कह रहे थे मेरे पापा से ऑयल लगवाना है, तो उसके पापा अभी उसके हेयर में ऑयल लगा रहे हैं और मैं करने आ गई हूँ अक्षु की मालिश। तो देखिए कपड़े उतारते कितनी मस्ती आ जाती है उसको। और आप लोग व्लॉग में हमारे बने रहिए, व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा सेकंड चैनल सारिका एंड स्वर्णिका स्टोरी नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है और वहाँ पे जाइए, देखिए, आपको वहाँ पे ना अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और आपको अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, अभी उसके बाद हस्बैंड चले गए और सारिका चली गई अपनी दादी के घर पे और मैं आ गई अपने वही क्लीनिंग के रूटीन पे। तो अभी देखो बेडशीट मैंने झाड़ दिए और अक्षु हमारी सो रही है। सारिका का नाम ही आता रहता है बार बार मेरे को, शुरू से आदत पड़ी ना, उसका नाम बार बार आता रहता है। तो अभी अक्षु हमारी सो गई है और अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। और अंदर वाले रूम में लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो ये देखिए, अभी मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। ये सब काम तो डेली के होते ही हैं, मॉर्निंग के ये सब करने ही पड़ते हैं और ना करो तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले मन करता है जल्दी से ना घर साफ़ हो जाए, बस ये लगता है। इसलिए सबसे पहले मैं यही करती हूँ, मतलब हस्बैंड को भेजने के बाद सबसे पहले सोचती हूँ जल्दी से घर का सब साफ़ सफाई कर दूँ। और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखो किचन भी मेरा अभी सारा ऐसे ही फैला हुआ था, नाश्ता करने के बाद ऐसे छोड़ दिया था मैंने। अक्षु रोने लग गई थी क्योंकि, तो मैं अक्षु के पास चली गई थी। फिर मैंने सोचा लाओ अक्षु को अब मैं फिर मालिश करके सुलाई देती हूँ, नहला के उसके बाद ही सारे काम करूँगी। तो मैंने अक्षु को मालिश करके सुला दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सारा सफाई करने के लिए। तो देखिए मैं गैस वगैरह जो है सब साफ़ कर दी हूँ। तो अभी गैस ना मैं अच्छे से ना वो साबुन से साफ़ करूँगी, क्योंकि ना अभी हस्बैंड ने नाश्ता बनाया था। आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम पे क्योंकि अक्षु ने कर दी थी पोटी, मैं उसको साफ़ करने लगी थी तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो और ये देखो ज़्यादा ऑयल वगैरह गिर गया था गैस के ऊपर, तो ना मैं अभी साबुन से साफ़ करके फिर कपड़े से साफ़ करूँगी उसको। और फ्रेंड्स, अभी मेरा किचन का जो सारा काम हो चुका है और उसके बाद आ गए हुए कपड़े ना, थोड़े से मेरे हस्बैंड ने भिगो दिए थे। मतलब सैटरडे को मैंने मशीन लगाई थी, सारे कपड़े धुल गए थे लेकिन हस्बैंड के थोड़े से रह गए थे। तो उन्होंने ना सुबह नहाए तो ना वो कपड़े जो गर्म पानी में सरफ डाल के भिगो दिए थे और ऐसे छोड़ कर चले गए। तो अभी मैं वही धोने आ गई हूँ। और फिर अक्षु के भी कपड़े उतरे थे एक दो छोटे छोटे से, तो मैंने सोचा लगे हाथ वो भी मैं धो ही देती हूँ, तो अभी मैं वही धो रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मैं धो लेती हूँ कपड़े और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, प्लीज़ व्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखिएगा।
तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है।